हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स 4K पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ GS की टॉप क्लास। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चनों को, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। देखिए पहला दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए दे रहा है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, वी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयुक्त, डी राज्यपाल। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा। देखिए नेक्स्ट दिया, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, UPSC से लेकर 0 लेवल तक के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है सरोजिनी नायडू, बी दे रखा है सरला ग्रेवाल, सी दे रखा है राजकुमारी अमृत कौर, डी दे रखा है पदम बाजा नायडू। तो दोस्तों मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जी हैं जो राज्यपाल बनने वाली हैं किसी राज्य की भारत के अंदर। देखिए नेक्स्ट दिया है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है दोस्तों वो 35 वर्ष है, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको दोस्तों मिलती रहे। आप टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन कर लीजिए परफेक्ट मैथ्स 4K, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर जुड़ जाइए। जो भी वीडियो आती है आपको फटाफट मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखिए नेक्स्ट दिया, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। ऑप्शन ए विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, बी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, सी विधानसभा का बजट अभिभाषण, डी विधान परिषद का बजट अभिभाषण। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो होता है वो राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ होता है। देखिए नेक्स्ट दिया, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ दोस्तों, SSC MTS 2019 को पूछा गया ये क्वेश्चन है। और अगर आपने इस बार SSC GD का एग्जाम दिया है तो दोस्तों उसमें भी क्वेश्चन आया था। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, UPSC हो या कहीं से भी लेवल का एग्जाम हो, UP पुलिस हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाते हैं, राज्यपाल की शपथ कराते हैं दोस्तों, वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट। देखिए नेक्स्ट यार, राज्यपाल विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट MCQ दोस्तों, SSC MTS 2018 को पूछा गया क्वेश्चन। और लगातार मैं आपको ऐसी अपडेट दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में आई हुई है, क्योंकि मैं बारीक से बारीक एग्जाम पर, छोटे से बड़ा हो या छोटा एग्जाम हो, सभी पर पूरा फोकस रखता हूँ आपके लिए दोस्तों। ऑप्शन ए 1/6 सदस्य, बी 1/12 सदस्य, सी 1/3 सदस्य, डी 1/2 सदस्य। तो दोस्तों बता दूँ, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और दोस्तों जिस तरीके से राज्य में विधान परिषद होती है, उसी तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है, उसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। और ऐसी क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट दिया, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। अर्हताएँ का मतलब जान दे दोस्तों, योग्यताएँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए वह संसद किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह भारत का नागरिक हो एवं आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, सी वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण ना करता हो, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी ना होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह कोई अन्य लाभ पद पर ना हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, भारत किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्जाम में पूछा जाता है, SSC MTS 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी नागालैंड। तो दोस्तों बता दूं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान।
दिया राज्यपालों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, बी न्यायिक शक्ति, सी विधायी शक्ति, डी कार्यपालिका शक्ति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। नेक्स्ट दिया राज्यपाल, दो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य ये कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, UPSC तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी, अभी उन्होंने UPSC क्लियर किया है 2022 में, तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताया था। ए धर्मवीर, वी GD तपासे, सी श्री प्रकाश, डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये जो कहा था वो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू स्टूडेंट।